सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट हैप्पी। सो गाइज, अभी तक मेरा कोई भी ब्लॉग इस चैनल पे नहीं आया है आज के दिन। सो मैंने सोचा कि अभी मेरे पास तो टाइम भी नहीं है कि मैं बैठकर वीडियोस को एडिट करूं और उसके लिए कुछ अच्छा सा थंबनेल सोचूं या फिर बनाऊं या फिर मैं कुछ उसको वॉइस ओवर अच्छा दूँ, अच्छा सा कैप्शन उसके ऊपर लिखूँ। तो मैंने सोचा कि चलो, अभी मैं तुरंत ही मैं स्क्रॉल कर रही थी अपने इंस्टाग्राम और वहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ मिली पढ़ने को, जो कि मुझे, सच बताऊँ, मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया। सो ऐसे कुछ कुछ मैं चीज़ों को ज़्यादा ओवर थिंक कर लेती हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन कभी कभी ओवर थिंक करके मैं सही गेस कर लेती हूँ, ये भी चीज़ सही है। तो वैसे ओवर थिंक बहुत ही ख़राब चीज़ होती है, जैसा कि देख सकते हो ये मेरे आँखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं, और ये इसलिए नहीं आया कि मैं ओवर थिंक ज़्यादा कर रही हूँ, इसलिए आया कि मैं सो नहीं रही हूँ अच्छे से, इसलिए खा नहीं रही हूँ अच्छे से। मैं पतली भी बहुत पहले से हो गई हूँ, मेरे गाल वाल सब सूख गए हैं, आँख वाँख के नीचे बिल्कुल डार्क सर्कल आ गए हैं। सो मैंने कुछ इंस्टाग्राम पर पढ़ा था तो मुझे काफ़ी, मतलब, वो अपने तरफ ये किया। सो वो कुछ ऐसा था कि बुज़ुर्ग और बूढ़े में डिफरेंस, जो कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं, वो बड़े एज के हैं तो वो, मतलब, मान सम्मान लायक हैं, ऐसा ही सोचते हैं ना हम लोग, जो बूढ़े लोग हैं या फिर बुज़ुर्ग लोग हैं वो मान सम्मान लायक है, वो जो कह दिए वो पत्थर का लकीर है। लेकिन जो अभी हम एक रील्स देखे थे उसमें जो बताया गया कि बुज़ुर्ग और बूढ़े में बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, ये सही चीज़ है। तो जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनकी जो विचारधारा होती है वो बूढ़े लोग से काफ़ी अलग होती है, और वो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं कि सामने वाले को कैसे खुश रखना है, क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत कुछ देखकर आते हैं और वो ऐसा चाहते हैं, सोचते हैं कि मैंने जो दुख झेला वो मैं किसी और को ना झेलने दूँ, या फिर जो अगर कोई गलत कर रहा है तो मैं गलत को गलत बोलने का हिम्मत रखूँ, या फिर जो सही कर रहा है उसको सही कहने का हिम्मत रखूँ। वो लोग, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो गलत और सही का पहचान बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत डंगे के छोर पे वो खड़े रहते हैं कि हाँ, ये सही है और ये गलत है, और उनकी जो विचार होती है वो, क्या ही मैं बोलूँ, कि एक क्रिस्टल क्लियर जैसे होते हैं, मतलब उनमें कोई लोभ लालच या फिर अपना पराया कुछ भी नहीं होता, और ना ही वो अपने आप को ब्रह्मा विष्णु मानते हैं। वो जो सही है, सही को सही, गलत को गलत, और उनका जो एक बोलते हैं तजुर्बा और सोचने की शक्ति जो होती है वो बहुत ही अलग होती है। और जो बूढ़े लोग होते हैं वो तो एज में बुज़ुर्ग और बूढ़े लोग सेम ही होते हैं, यही एक कॉमन है दोनों में, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, जो बुज़ुर्ग बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े लोगों का मानना है कि वो जो कह रहे हैं वो एकदम बिल्कुल पत्थर का लकीर है, मतलब हम ही ब्रह्मा, हम ही विष्णु, हम ही महेश, सब हम हैं। तो ऐसा नहीं होता, उम्र से किसी को तजुर्बा नहीं आता। बहुत ऐसे मैंने लोगों को देखा है जिनकी उम्र बहुत ही कम है, लेकिन उनमें सोचने, समझने, बोलने और कहने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको ना तो किसी में अच्छाई दिखती है, और ना वो कभी किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, और ना ही वो किसी को खुश रखना जानते हैं। वो सिर्फ अपना पहले देखते हैं, पहले क्या, सिर्फ अपना ही देखते हैं। और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको लगता है कि मैं अगर कुछ गलत करूँगा तो मेरा भगवान देख रहा है मुझे, मुझे वो कैसा कैसा दंड देंगे, उनसे वो डरते हैं।
लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनको लगता है कि मैं ही तो भगवान हूँ, मैं दंड दे सकता हूँ किसी को, मुझे कौन दंड देगा। तो ये है, उनको बस एज हो जाने से किसी को समझदारी नहीं आती। ये चीज़ मैंने किसी के लिए इंडिविजुअली नहीं बोला है, मैं बस ये चीज़ देख रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग में क्या होता है, जैसे हम लोग जिस फैमिली से आ रहे हैं तो हम लोग का ये मानना है कि नहीं, वो बड़े हैं तो वो जो बोलती है वही सही होगा। मतलब वो बूढ़े हैं तो वो सही ही बोल रहे होंगे ना, वो सच ही बोल रहे होंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या, जनरली बूढ़े और बुज़ुर्ग होंगे तो वो सही और गलत बोलेंगे, लेकिन वो जो बूढ़े लोग होंगे ना, सिर्फ वो अपना ही सही बोलेंगे, बाकी सब गलत बोलेंगे। तो ये चीज़ आपको कहाँ तक समझ में आई, या फिर आपको भी ऐसा लगता है तो ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये जो विचारधारा है, जो ये मैंने एक रील्स देख के आप लोगों से शेयर किया, क्या ये सचमुच ऐसा ही होता है, ये ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा यूज़फुल या फिर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं नेक्स्ट ब्लॉग लाऊंगी कल, तब तक के लिए इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देना, लाइक कमेंट शेयर बोलना करना, और अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो कमेंट करके बताना कि मैंने क्या इसमें गलत बोला, क्योंकि ये मेरा कुछ भी अपना नहीं था, ये मैंने जहाँ से सुना था बस ये मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा होता है। तो ज़रूर बताइएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।